आज के तकरीब के हवाले से ये एजुकेशन के और क्रेडिट कॉलेज के हवाले से प्रोग्राम था। तो आपको पता है कि एजुकेशन के जो भी प्रोग्राम होता है छोटा सा इवेंट भी बहुत बड़ा होता है, और क्रेडिट कॉलेज का अपना एक नाम है, क्रेडिट कॉलेज सिकरदू का पाकिस्तान के अच्छे क्रेडिट कॉलेज में शुमार होता है। तो यहाँ के छोटे मोटे इश्यूज़ थे, एक तो ये था कि ग्रांट इनको हम दे रहे थे 16 करोड़ रुपए, इस साल हमने उसको बढ़ा के 20 कर दिया, और साथ साथ ये कि इनकी जो पानी का इशू था, बिजली का मसला था, और भी जो है लेबॉरेटरीज़ और भी छोटे मोटे तमाम इशू थे, वो हमने आज जो ऐलान किया ये खाली ऐलान नहीं, ये हमने 10 दिन पहले फोरम से ही मंजूर किए, इनको कर दिया। तो मुझे आज खुशी हुआ यहाँ जो बच्चों के साथ आके इस प्रोग्राम में शामिल हो के, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। फॉर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट एंड पेरेंट्स फॉर हैविंग स्पेंड देयर टाइम फॉर दिस इवेंट। वातिनो हजरात, 19वीं एंट्री की पासिंग आउट के पूर्व सरहद मौके पर मैं तमाम वालदैन उस्तादा कराम और स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी शब और रोज काविशों की बदौलत ये कैडेट्स अमली जिंदगी में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। ख्वातीन हज़रात, मैं फख्र से आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड के इम्तहानात में ये अदारा इस साल सर फहरिस्त रहा है। और हमारे दो कैडेट्स के लिए बोर्ड ने मुकम्मल स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया है। इस बात का मैं खसूसी जिक्र करना चाहूंगा कि जनाब वजीर आला कमांडर SCN और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने कॉलेज की बुनियादी जरूरतों और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए खसूसी इकदाम किए हैं, जिसके लिए मैं तमाम वालदेन की जानिब से उनका शुक्र गुजार हूँ। माई डियर कैडेट्स, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज कॉलेज कैप्टन कैडेट मोहम्मद रजा अंसारी, कैडेट नंबर 1771। अल्हम्दुलिल्लाह, टुडे आई हैव कंप्लीट माय फाइव इयर्स ऑफ स्टडीज इन दिस कॉलेज। 25th May 2024 इज एन अनफॉरगेटेबल डे फॉर माय लाइफ, एज आई हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट इन एकेडमिक्स एंड बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर 2024। ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू very grateful to the Allah Almighty who has bestowed me with this great pleasure moment, and secondly I am very grateful to the principal Cadet College Sikardu, Brigadier Faisal Azhar Rana, who has arranged such a great passing out parade for us, and second one I also grateful to the CM Gilgit Baltistan Haji Gulbar Khan who has joined us and make our passing out parade bright. Our teachers have put great efforts in order to make our life successful. They sacrifice their precious times in order to make our future bright. I from my depth of my heart very grateful to all the teachers, teaching faculty and all administrative members, especially the principal Kari Kalskardu, who always provided the cadets all facilities in all fields in order to save their life, in order to make their future bright. I suggest my viewers that this college not only provide facilities, not only provide opportunities in field of academics, but also it groom up cadets in every fields, extracurricular and co-curricular activities. All fields are available here, which make cadets very strong in their life. Thank you once again. I am very grateful to my principal and all faculty members. Mera jo field hai wo pre-medical hai. Inshallah main aage jaakar army doctor banna chahta hu, kyunki army ka hamara affiliation hai aur hum chahte hain ki army mein rehkar apne mulk aur qaum ka behtar se behtar behtareen andaaz mein khidmat kare aur अपने लोगों के खिदमत अंजाम हम आर्मी में होते हुए करें, क्योंकि आर्मी में जाने के बाद हमें एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जिसमें से हम अपने लोगों के बहुत बेहतरीन अंदाज़ में खिदमत अंजाम दे सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम कैडेट अनिल नबी है। मैं क्लास सेकेंड ईयर में इस साल 2024 में पास आउट हो रहा हूँ। 19 एंट्री की तरफ से मैं तमाम वालदेन और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस इवेंट में शिरकत करके हमारे इस इवेंट को चांद चार लगा दिया। दूसरी बात, मैं कैडेट कॉलेज फैकल्टी का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये इवेंट इनोग्रेट करवाया और जिसकी वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने भी देखा कि उनके बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, आर्मी के वाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गेन कर ली हैं और उनको एक आइडिया हो गया कि हमारे बच्चे अभी लाइफ के किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए अभी बिल्कुल तैयार हैं। और मैं प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज का दो ब्रिगेडियर मोहम्मद अजल फैज़ल राणा का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। उन्होंने हमारे लिए सीएम साहब को स्पेशली, वो खुद गए थे इनवाइट करके आए, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज में उन्होंने बहुत सारी नई उनका ऐलान किया, जिसका हम सीएम साहब का भी बहुत मशहूर हैं। इन द एंड मैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सब ने इवेंट में शिरकत करके हमारे इस इवेंट को बहुत रौनक बनाया। थैंक यू सो मच। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मैं आर्म फोर्स में अप्लाई करूँगा, PML आर्म कोर्स। इस कॉलेज में ज्वाइन करने का बेसिकली मकसद यही होता है कि आर्मी से हमारे लिए लव पैशन पैदा होता है, जिससे हम आर्मी के लिए वतन का जो पेट्रोटिज्म का जो जज्बा है हमारे दिलों में, वो जो ये जो हमारे दिल साफ़ होते हैं, वह एजुटेंट हमारे इस जज्बे को उजागर करता है, जिसकी वजह से हमें एक हिम्मत मिलती है कि हम भी कौम के लिए लड़ सकते हैं। इंडियन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे कैडेट बने और वहाँ से बन के आगे आने वाले लाइफ में अच्छा मुस्तकबिल में अपने आप को गुनगुनाएँ बनाएँ। तो मैं दुआ करता हूँ आने वाले वक्त में हमारे हर बच्चे आके इस कम्पटिशन में उतरें। बहुत सख्त कम्पटिशन होता है, लेकिन हर बच्चा यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता। जो कम्पटिशन पर होता है, कॉन्फिडेंस होता है तालीम में हर चीज़ पे, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होता है। तो बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह बहुत बेहतर है जी। मेरे तीन बेटे इस वक्त यहाँ पे कैडेट कॉलेज पढ़ रहा है, एक 8 क्लास में है, एक MCM मिलिट्री कॉलेज मरी में है, 2 तारीख को उनकी पासिंग आउट है, एक आज कैडेट कॉलेज से पासिंग आउट हो गए। बहुत बेहतर है। और 5 साल एक जो लाइफ होते हैं इंसान की, वो बहुत टफ टाइम होता है। यहाँ पे हर एक डिसिप्लिन का ख्याल रखना होता है, एजुकेशन में उतरना होता है, हर कंपटीशन में वो हिस्सा लेना होता है। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पासिंग आउट को जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं, आने वाले लाइफ भी बहुत बड़ा दूर है। ये नहीं है कि आज पासिंग होने के बाद मैं चढ़ गया दरख्त के ऊपर और मैंने आज सब कुछ हासिल किया। नो, आगे आने वाले वक्त में भी इसकी मुस्तकबिल बहुत लंबा है। मैं दुआ करता हूँ आने वाले वक्त में भी कामयाब होते रहे इस तरह।